हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज़ मी ज्योति। सो आज मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया है गणपति पूजा के लिए। सो ये वाला क्रिएट करने में बहुत ही ईजी है एंड मैंने काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने लिप बाम अप्लाई किया है जो कि शुगर का है। देन मैंने यहाँ पर पोन्स का लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। जी हाँ, मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बिफोर मेकअप। और मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है फेस में। देन प्राइमर, सो प्राइमर यहाँ पर मैं NYBae का प्राइमर लगा रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा ऑल स्किन टाइम बेस्ड सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। इससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग करता है। मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर के बाद हम लोग थोड़ी सी वेट करेंगे 2 मिनट्स। देन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन और ये शुगर का है। इसमें मेरा जो शेड नंबर है वो 30 है और ये थोड़ी सी मेरी स्किन टोन से और ज़्यादा येलो टोन में है, लेकिन अप्लाई करने में थोड़ा येलो येलो दिखता है, थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अप्लाई किया, देन मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड किया। मैंने और अप्लाई किया देन ब्लेंड किया, तो मैं हल्के हल्के करते हुए लगाते हुए मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया है एंड नेक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और मेरा नेक अभी बहुत ही ज़्यादा डार्क हो चुका है तो इसलिए मुझे इस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है। जैसे कि आपने देखा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये एक दो बार ही यूज़ कर पाऊँगी। तो मैं इसे निकाल निकाल के लगा रही थी जितना हो सके उतना। तो मेरे अंडर आई को अच्छे से अप्लाई कर लिया है, देन ब्रिज ऑफ दी नोज एंड थोड़ी सी चिन को भी जहाँ पर मुझे हाईलाइट करना है और इसीलिए वहाँ पर ही अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। इसे मैं फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी और ये ऑयली ऑयली स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है क्योंकि ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैंने सिवाना कलर्स का ये पैलेट यूज़ किया है जिसमें हाइलाइटर, ब्लशर एंड कंटोरिंग बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। मैंने बहुत दिनों बाद इसे यूज़ किया है, मैं तो भूल ही चुकी थी कि ये भी मेरे पास है, तो इसलिए मैंने यूज़ किया। ये भी काफ़ी अच्छा है। और सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा ब्रॉन्जअप है। लाइटली मैं यहाँ पर ब्लश भी अप्लाई करूँगी। सेम पैलेट में आपको बहुत सारे ब्लश भी मिल जाता है, लाइट, थोड़ी डार्क, जो भी है पिंक अंडरटोन पे वाला है, तो उसी में से मैंने ब्लश भी अप्लाई किया है। देन इसी पैलेट में से मैं हाइलाइटर भी अप्लाई करूँगी। एंड गाइस, इसमें जो ब्लश, हाइलाइटर एंड कंटोरिंग जो पाउडर है, ब्रॉन्जर है, वो बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड है और काफ़ी अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद आया क्योंकि काफ़ी नेचुरल एंड डूई दे रहा था। नेक्स्ट मैंने इनसाइन कॉस्मेटिक का सेटिंग स्प्रे यूज़ किया। देन मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी नेचुरल दिखे। जो भी हाइलाइटर वगैरह लगाई है वो चंकी टाइप का नहीं दिखे, काफ़ी नेचुरल दिखेगा। ऐसा करने से आप लोग भी ज़रूर करना। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मोर्फी जैकहिल पैलेट यूज़ किया है। इसमें से मैंने ब्राउन शेड लेके पहले तो अपनी आईब्रो को फिलअप किया है एंड देन मैंने क्रीज पे थोड़ी सी ब्राउन शेड को अप्लाई किया है। और बहुत ही ईजिली क्रिएट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर ग्रीन कलर का आई शेडो अप्लाई करेंगे। पहले तो मैंने क्रीज पे ब्राउन कलर अप्लाई किया, लाइट ब्राउन कलर। देन मैंने आउटर कॉर्नर पे मैंने पेंसिल ब्रश की हेल्प से और डार्क ब्राउन कलर की आई शेडो अप्लाई किया है। देन आई लिड्स में मैं ग्रीन कलर का आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों बॉटल ग्रीन का आई शेडो नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने ये वाला आई शेडो अप्लाई किया है जो कि सेम पैलेट में से है। देन साथ ही साथ मैं थोड़ी सी और क्रीज को भी डिफाइन कर रही हूँ एंड लोअर लैश लाइन पे भी सेम जो मैंने क्रीज पे अप्लाई किया था वो अप्लाई किया मैंने पहले। तो नेक्स्ट मैंने जो ब्राउन डार्क ब्राउन शेड था उसको मैंने अप्लाई किया है एंड इनर कॉर्नर को भी थोड़ी सी हाईलाइट कर लेंगे। देन लगाएंगे आईलाइनर जो कि मेरी जो का आईलाइनर है, इससे मैं अच्छी वाली एक विंग्ड आईलाइनर अप्लाई करूँगी। साथ ही साथ इनर कॉर्नर को भी थोड़ी सी फॉक्सी लुक रखने के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। और जो मैंने आउटफिट आज पहना है वो ग्रीन कलर का एक सरारा सेट है जो कि मैंने मिंत्रा से परचेस किया था बहुत ही पहले। मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ है, लिंक मिले तो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड नेक्स्टली मैं यहाँ पर ग्लैम 21 का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपर एंड लोअर लैश लाइन पे। अच्छे से मैं मस्कारा लगा लूँगी, फॉल्स लैशेस बाद में लगाऊँगी। देन मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। पहले तो मैंने ब्राउन कलर का लिप लाइनर अप्लाई किया है, देन मैंने
शुगर का लिपस्टिक लिया है जिसे मेरा शेड 29 है। ये वाला बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग एक मैट लिपस्टिक है और ये मैंने अप्लाई किया है एंड थोड़ी मैं ब्लेंड करते हुए कर रही हूँ। देन मैं फॉल्स लैसेस अप्लाई करूँगी। आज मैं फॉल्स लैसेस काफ़ी वॉल्यूम वाला फॉल्स लैसेस अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैंने ग्रीन कलर का ये छोटी सी बिंदी वे किया है और ये मैंने झुमका लगाई है जो कि मैंने रिसेंटली मिंत्रा से परचेस किया था और ये रहा मेरा फाइनल लुक। यू गाइस, आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और नेक्स्ट भी मैं लुक लेके आऊँगी और कौन सा वीडियो बनाना वो भी ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।